राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला संक्षिप्त बुद्ध चरित्र। श्रृंखला के पिछले भागों में आपने सुना कि भगवान बुद्ध विभिन्न राज्यों में धर्म प्रचार के बाद पाटलिपुत्र पहुंचे। वहां से वो वैशाली के लिए चले गए, जहां उनकी भेंट आम्रपाली से हुई। भगवान बुद्ध ने उन्हें तत्व ज्ञान से अवगत कराया। अब सुनिए आगे की कहानी। इस भाग का शीर्षक है निर्वाण की ओर। भगवान बुद्ध के उपदेश सुनकर और अपना निमंत्रण स्वीकार हो जाने के बाद आम्रपाली ने भगवान बुद्ध से विदा मांगी। भगवान बुद्ध की आज्ञा पाकर उसने उन्हें प्रणाम किया और अपने भवन चली गई। इसी समय लिच्छवी सामंतों ने भी सुना कि भगवान बुद्ध आम्रपाली के उद्यान में विराजमान हैं। अतः वे सब उनके दर्शन के लिए चल पड़े। उनमें से कुछ सुसज्जित हाथी घोड़ों पर और कुछ रथों पर सवार होकर आए। आम्रपाली के उद्यान के पास पहुंचकर वे अपने वाहनों से उतर गए और भगवान बुद्ध के निकट जाकर नमस्कार करके धरती पर बैठ गए। भगवान बुद्ध ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा, धर्म में आप लोगों की श्रद्धा आपके राज्य बल और रूप से भी अधिक मूल्यवान है। मैं वृज्यों को भाग्यशाली मानता हूं जिन्हें आप जैसे सत्यार्थी और धर्मज्ञ राजा प्राप्त हुए हैं। आप सभी शीलवान है और शील ही स्वर्ग मार्ग का संकेतक है। वही स्वर्ग ले जाने वाली नौका है। इसलिए शील द्वारा अपने चित्त को शुद्ध कीजिए, अज्ञान और अहंकार को दूर कीजिए। भगवान बुद्ध के उपदेश सुनकर सभी लिच्छवी सामंतों ने उन्हें फिर सिर झुकाकर प्रणाम किया और भिक्षा के लिए उन्हें अपने घरों पर आमंत्रित किया। तथागत ने उन्हें बताया कि इसके लिए वे पहले ही आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर उसे वचन दे चुके हैं। ये सुनकर लिच्छवियों को बुरा लगा, परंतु महामुनि के उपदेशों के कारण वे शांत हो गए और प्रणाम कर अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन प्रातः काल आम्रपाली ने भगवान बुद्ध का अतिथि सत्कार किया। आम्रपाली के घर से भिक्षा लेकर भगवान बुद्ध चतुर्मास वास के लिए वेणुमती नगरी चले गए। वहां वर्षा काल के 4 मास व्यतीत किए। इसके बाद वे पुनः वैशाली आ गए और मरकट नामक सरोवर के तट पर निवास करने लगे। जब महामुनि मरकट सरोवर के तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तभी उनके पास मार आया और सिर झुकाकर कहने लगा, हे मुनि, नैरंजना नदी के तट पर जब आपने बुद्धत्व प्राप्त किया था तो मैंने आपसे कहा था कि आप कृत कृत्य हो गए हैं, आप निर्वाण प्राप्त कीजिए। उस समय आपने कहा था, जब तक मैं पीड़ित और पापियों का उद्धार नहीं कर लेता तब तक मैं अपने निर्वाण की कामना नहीं करूंगा।
अब आप बहुतों को मुक्त कर चुके हैं, बहुत से मुक्ति के मार्ग पर हैं, वे सभी निर्वाण प्राप्त करेंगे। अतः अब आप भी निर्वाण प्राप्त कीजिए। मार की विनती सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर चुका हूं, तुम चिंता मत करो। मैं आज से तीसरे मास निर्वाण प्राप्त करूंगा। भगवान बुद्ध के ये वचन सुनकर मार बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि को प्रणाम कर वहां से चला गया। मार के चले जाने के बाद भगवान बुद्ध अपने आसन पर बैठकर अपनी प्राण वायु को चित्त में ले गए और चित्त को प्राणों से जोड़कर योग साधना द्वारा समाधि प्राप्त की। जैसे ही उन्होंने प्राणों का निरोध किया, आकाश में चारों ओर से उल्कापात होने लगा, धरती कांपने लगी, चारों ओर बिजली चमकने लगी और वज्र गर्जना होने लगी। सर्वत्र प्रलयकालीन हलचल मच गई। इस प्रकार मर्त्यलोक, दिव्य लोक और आकाश में हुई हलचल की घड़ी में महामुनि ने गंभीर समाधि से निकलकर कहा, आयु से मुक्त मेरा शरीर अब जर्जर हो गया है। वह उस रथ के समान है जिसका धुरा टूट गया हो। मैं इसे अब अपने योग बल से ढो रहा हूं, परंतु जैसे अंडा फोड़कर पक्षी बाहर आ जाता है, वैसे मैं भी अब बाहर। संक्षिप्त बुद्ध चरित्र। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मूल कथा महाकवि अश्वघोष, आलेख प्रोफेसर माणिक गोविंद चतुर्वेदी, सहयोग प्रोफेसर अनिरुद्ध राय, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार मंजू मैनी, जितेंद्र राम प्रकाश और नीरज यादव, तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार, तकनीकी समन्वय सतीश लाड़े, ध्वन्यांकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।